बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कौसर फैशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट गाउन की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मैं गाउन कट कर रही हूँ, ये नेट का मटेरियल है, उस पर गाउन की कटिंग करूँगी। इसका नीचे से जो बॉर्डर है वो बना हुआ है, कट वर्क हुआ हुआ है। अभी मैं इसको ही जो मुझे लेंथ चाहिए वो मेजरमेंट कर लूँगी। मुझे जो मेजरमेंट चाहिए वो 56 इंच है, फुल लॉन्ग है होगा ये गाउन और बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ 56 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी मैं सबसे पहले इसके जो ऊपर तीरे की कटिंग वो करूँगी। जो मुझे इसका तीरा चाहिए वो तकरीबन 8 इंच यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, और जो आर्म होल होगा वो तकरीबन 9 इंच, और जो इसकी चेस्ट का साइज़ होगा वो तकरीबन 10.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अभी इन निशान को आपस में मिलाकर यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान बना रही हूँ। अभी फिटिंग का जो निशान है वो तकरीबन 14.5 इंच पर, यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, ऊपर से 14.5, और फिटिंग का जो साइज़ है वो 9.5 इंच। अभी मैं निशान को आपस में मिला लूँगी। यहाँ पर हिप के साइज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये बंद होगा, तो मैं अंदाज़े के साथ यहाँ पर ये सब निशान लगा के बिल्कुल स्ट्रेट गाउन की यहाँ से कट कर लूँगी और सिलाई लगा लेंगे। ये नीचे से चौड़ा तकरीबन 28 इंच होगा। अभी यहाँ पर मैं ये फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। अभी जो इसकी जो बैक साइड का पार्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे, और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर ये मैं गले के लिए निशान लगा रही हूँ, ऊपर से 3 इंच, और जो नीचे डीप होगा वो तकरीबन मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर निशान को आपस में मिलाकर मैं वी शेप में निशान लगा लूँगी। अभी मैं यहाँ से कट कर लूँगी नेक को वी शेप में, और आगे से दरमियान से ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट यहाँ से कर लूँगी। ऊपर से नेक की वी शेप में कटिंग की है, और दरमियान से ये बिल्कुल स्ट्रेट मैंने कटिंग करके दोनों पीसीस को सेपरेट कर लिया है। ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये दोनों पीसीस को मैंने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन कट करते हुए दोनों फ्लावर्स के मिडल में से कट किया है, ये आप देख सकते हैं। जब ये रेडी होगा तो आप देख सकेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स में यहाँ पर जॉइंट आएगा, तो मैं इस तरह पहले दोनों पीसीस की मेजरमेंट करके जॉइंट कर लूँगी, तो बाद में इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी, जो दोनों पार्ट सेपरेट है उसके अंदर ये फोल्ड करने के लिए ये मैं नीचे कपड़ा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने से पहले ये आप देख सकते हैं कि ये नेट का कपड़ा है, और इसके ऊपर ये इस तरह से ये बीड्स लगे हुए हैं, ये शीशे के बीड्स हैं। तो इसको पहले निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर मैं लूप्स का भी यूज़ करूँगी। जहाँ पर गला हमने बनाया गले से नीचे, मैंने 5 लूप्स लगानी है। तो पट्टी लगाने से पहले हम लूप्स को भी रेडी कर लेंगे। तो लूप्स बनाने के लिए ये जिस तरह डोरी बनाते हैं उस तरह सेम तरीके से डोरी बनाकर मैं लूप्स की कटिंग कर लूँगी। डोरी बनाने का तरीका मेरे चैनल पर है, मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये भी मैं इसको पलट लूँगी। ये इस तरह बहुत इजी तरीके के साथ हम ये डोरी बना लेंगे, और फिर मैं इसके जितनी बड़ी लूप्स चाहिए उसके हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। अभी यहाँ पर ये मैं कपड़ा लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले एक साइड से स्टार्ट करूँगी। अभी जहाँ तक मैंने वी शेप में कटिंग की थी तकरीबन 8.5 इंच तक, अभी उसके नीचे से ये इस तरह मैं लूप्स लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं सिर्फ 5 लूप्स लगाऊँगी। ये एक साइड पर मैं लूप्स लगाऊँगी, और दूसरी साइड पर मैं कपड़े के बटन पर्ल्स को मैं कपड़े के अंदर रख कर बटन्स बना लूँगी बाद में। तो ये इसके साथ ये कपड़ा लगाते हुए इसके अंदर इस तरह रख कर थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़कर ये इस तरह भी मैंने लूप्स लगा ली हैं। अभी मैं पूरे नीचे तक जो है इस कपड़े को अटैच कर लूँगी। कपड़े के ऊपर से जो बीड्स लगे हुए थे उनको मैंने निकाल लिया था।
ये भी नीचे तक, यहाँ पर मैं इसे नीचे की साइड दामन पर नहीं लगाएंगे क्योंकि दामन पर बॉर्डर बना हुआ है, कट वर्क हुआ हुआ है। अभी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड करके मैं तरपाई करूँगी। ये इस तरह जब हम फोल्ड करेंगे तो ये लूप्स इस तरह बाहर आ जाएंगी। अभी नीचे की साइड से यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी दोरी, बल्कि मैं यहाँ पर तरपाई कर लूँगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी कपड़े को अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर कपड़े को अटैच कर लिया है और दूसरी साइड से तरपाई कर ली है। अभी मैं इन दोनों पार्ट्स को बैक साइड का जो पार्ट है उसके साथ अटैच कर लूँगी। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसके ऊपर पहले एक साइड को रख कर हम अटैच कर लेंगे, फिर दूसरी साइड को रख कर अटैच कर लेंगे। इस तरह अभी दूसरी साइड को भी इसी तरह जोड़ लेंगे। ये यहाँ से सिलाई लगाते हुए जहाँ पर जो दरमियान में खाली जगह है बैक साइड की, वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी क्योंकि इस पर मैंने बैंड कॉलर लगाना है। तो बैक साइड के कपड़े पर भी जब सिलाई लगी होती है तो जो बैंड कॉलर की मेजरमेंट होती है वो बिल्कुल सही आती है। अभी इस पर जो मैं आगे की साइड पर जितनी मुझे बैंड चाहिए वहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। मैंने तकरीबन 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी मैं मेजरमेंट कर लूँगी तो टोटल 13 इंच की बैंड लगेगी। अभी मैं सबसे पहले जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लूँगी। यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस कपड़े के ऊपर बहुत सारे बीड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से मुझे सिलाई लगाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि ये शीशे के बीड्स हैं जिससे अगर इस पर नीडल आ जाए तो नीडल टूट जाने का ख़तरा होता है। तो बहुत एहतियात के साथ इस कपड़े पर, बीड्स वाले कपड़े पर बहुत एहतियात के साथ सिलाई लगानी पड़ती है। ये इस तरह मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी मैं इस पर जो बैन है वो अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैन को कट कर लिया और कपड़े पर पेस्ट करके अभी मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह अभी मैं इसके दरमियान में से कट लगाकर इसको पलट लूँगी और प्रेस करके इसको सीधा कर लेंगे। अभी मैं इसको अटैच करने लगी हूँ। यहाँ पर मिडल से मैंने स्टार्ट किया है बैंड को अटैच करने के लिए, ताकि ये दोनों साइड पर इक्वल आए। ये भी दूसरी साइड से मैं अटैच कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंड को मैंने अटैच कर लिया है। अभी मैं इसकी जो स्लीव्स है वो जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पर स्लीव्स के जो पीसीस थे उनको मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी मैं स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई वो लगा रही हूँ। अभी मैं इसको जो गाउन है उसके साथ अटैच कर लूँगी स्लीव्स को। इस तरह मैंने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है गाउन के साथ। अभी आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा ये गाउन लग रहा है। ये इस तरह के नेट के गाउन, फैंसी गाउन आजकल नेट इस तरह की बाज़ार में बहुत आसानी के साथ मिल सकती है और आप इस तरह से अपने लिए ये गाउन डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। ये मैंने बटन्स बनाए हैं पर्ल्स को कपड़े के अंदर रखकर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।